JRD टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा एक उद्योगपति हैं। टाटा ने आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव स्थापित की थी। टाटा ने भारत में होटल, इंजीनियरिंग, वायुसेना और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में अविस्मरणीय भूमिका अदा की। टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। उनके पिता रतनजी दादा भाई टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उनकी माता श्रीमती सुजैन ब्रीरे फ्रेंच महिला थी। वे पेरिस के जैनसन डी सैली स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनकी पढ़ाई फ्रांस, जापान और इंग्लैंड में हुई। पिता के कहने पर JRD टाटा फ्रांस की सेना से निकल गए, अन्यथा उनकी मृत्यु हो गई होती। इसके बाद वह भारत आ गए। टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। उनके पिता टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी माता भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कार ड्राइव की थी। टाटा की भतीजी रतनबाई पेटिट मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी जो अगस्त 1947 में पाकिस्तान के संस्थापक बने। 1922 में उनकी माँ और 1926 में उनके पिताजी का निधन हुआ और उन्हें टाटा सन्स अथवा टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का बोर्ड मेंबर चुन लिया गया। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता त्याग भारत की नागरिकता ले ली। इसी वर्ष पायलट का एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय बने। 1932 में भारत देश में वाणिज्यिक विमान सेवा अथवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत JRD टाटा ने ही की, जो आज एयर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक भी कहा जाता है। 1938 में JRD टाटा को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन चुन लिया गया और इस तरह वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे यंग हेड बन गए। इस पद पर वे 50 साल से अधिक तक बने रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जब JRD चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप के अंतर्गत 14 उद्यम चलते थे और अपने रिटायर्ड होते होते उन्होंने इनकी संख्या 95 तक पहुँचा दी। भारतीय उद्योग के लीजेंड JRD टाटा 1991 तक चेयरमैन पद पर बने रहे और इसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार रतन टाटा के हाथों में दे दिया। अपने कार्यकाल के दौरान JRD ने टाटा ग्रुप को 62 करोड़ की कंपनी से 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। टाटा की मृत्यु 29 नवंबर 1993 के दिन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। मृत्यु के बाद उन्हें फ्रांस पेरिस उनकी जन्मभूमि ले जाकर पेरे लेच से कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु का शोक प्रकट करते हुए संसद ने अपनी कार्यवाही स्थगित की थी। टाटा को मिले कुछ पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं: भारतीय वायुसेना द्वारा क्रमशः ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर और एयर वाइस मार्शल की पदवी प्रदान की गई। 1954 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 1955 में पद्म विभूषण, 1971 में टोनी जेनस अवार्ड, 1992 में भारत रत्न और भी बहुत सारे पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। तो ये थी JRD टाटा के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।